हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश मेनिया में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो यूपी टेट, सी टेट या कोई भी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, केवीएस का एग्ज़ाम देते हैं, उस पर जो सिलेबस है वो लगभग सेम होता है। और इंग्लिश पैडागोजी का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही है। तो आज हम सी टेट एंड यूपी टेट के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 कर रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड चैप्टर है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, जो कि पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में मैंने लिसनिंग स्किल्स के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हमारा स्पीकिंग स्किल के बारे में हम जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सो व्हाट इज स्पीकिंग स्किल? स्पीकिंग इज अ प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव इन ओरल मोड एंड अ क्रूशियल पार्ट ऑफ लर्निंग। सो स्पीकिंग क्या है? प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव मोड है जो कि ओरल में होता है। ये एक ओरल मोड है। प्रोडक्टिव इसलिए क्योंकि हम उसे प्रोड्यूस करते हैं, हम उस साउंड को, हम जो चीज़ बोलना चाहते हैं उसे हम प्रोड्यूस करते हैं, अपने माउथ से उसे बोलते हैं। और ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है लर्निंग का। जब तक हम कोई चीज़ बोलेंगे नहीं तब तक हम कोई चीज़ सीख नहीं सकते, कोई लैंग्वेज सीख नहीं सकते हैं। स्पीकिंग ऑफन इम्प्लाइज कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। जो स्पीकिंग है वो एक तरह से इन्फॉर्मेशन कन्वे करने का मोड है, या हम स्पीकिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। नाउ हियर टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन। डिफरेंट स्पीकिंग सिचुएशन होते हैं एंड देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन इन विच वी फाइंड आवरसेल्व्स, जहाँ पे हम अपने आप को रख सकते हैं। और रख सकते हैं मीन्स कि हम जहाँ पे स्पीकिंग करते हैं, ये 3 सिचुएशंस होते हैं जिसमें हम स्पीकिंग करते हैं। सो फर्स्ट वन इज इंट्रैक्टिव। इंट्रैक्टिव क्या है? ये ऐसा एक सिचुएशन है जो कि फेस टू फेस, जिसमें हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं। और टेलीफोन कॉल्स आप ले लो, आप टेलीफोन कॉल समझिए, तो वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, हमें अल्टरनेट एक आंसर मिलता रहता है, एक लिसनिंग स्पीकिंग वहाँ पे चलती रहती है। तो वो भी एक इंट्रैक्शन है, वो एक इंट्रैक्टिव टाइप ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन में आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया, आप एक तरह से समझ सकते हैं कि टेलीफोन कॉल जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ओके, सो इंट्रैक्टिव क्या है? इंट्रैक्टिव लाइक इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोन कॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्शियली इंट्रैक्टिव। पार्शियली इंट्रैक्टिव क्या है? आप पार्शियली समझ रहे होंगे जहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा इंट्रैक्शन हो रहा होगा, है ना, आधा इंट्रैक्शन हो रहा होगा। लाइक स्पीकिंग सिचुएशन कैन बी पब्लिक स्पीच, वेयर द कन्वेंशन इज दैट द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच, है ना। वहाँ पे एक पब्लिक स्पीच, जैसे आपने कभी सुना होगा, तो एक पर्सन वहाँ पे बोलता है और जो रेस्ट जो पीपल है, जो वहाँ पे देखते हैं लोग, ऑडियंस है वो सुनता है, है ना। ऑडियंस सुनते हैं और एक पर्सन वहाँ पे बोलता है, कोई भी इंटरप्ट नहीं करता है, बीच में वहाँ नहीं कर सकता है। तो ये पार्शियली इंट्रैक्टिव हुआ कि एक पर्सन बोल रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं, राइट। नाउ नॉन इंट्रैक्टिव क्या है? नॉन इंट्रैक्टिव हमारा वो हो जाएगा जहाँ पे वो एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे कि ना कोई सुनने वाला है, ना ऐसा है कि कोई उसे इंटरप्ट नहीं कर सकता या कर सकता है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि टोटली नॉन इंट्रैक्टिव है। लाइक जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं स्पीच की, लाइक इस टाइम पे मुझे आप में से कोई सुन नहीं रहा है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप मेरे वीडियोज़ देखेंगे, यस। सो मैं यहाँ पे स्पीकिंग तो कर रही हूँ बट इंट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ आप लोगों से, राइट। आप लोगों से कोई बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं आप लोगों को वीडियो दूँगी जिसको कि आप सिर्फ सुनेंगे। सो ये एक रेडियो ब्रॉडकास्ट जैसे करते हैं, है ना। रेडियो ब्रॉडकास्ट पे भी हम रिप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, वो रिकॉर्डिंग करते हैं और बाद में उसको रिलीज करते हैं, राइट। तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्स क्या है स्पीकिंग स्किल्स के। सो स्पीकिंग स्किल्स के एम, मतलब हम क्यों स्पीकिंग स्किल हमें सीखनी चाहिए, या हम बच्चे को क्यों सिखाते हैं कि उन्हें उनका जो स्पीकिंग हो वो अच्छा हो, जिस लैंग्वेज को वो सीख रहे हैं उसमें उनकी स्किल, स्पीकिंग स्किल अच्छी हो। सो एम हमारा ये है कि जो भी बच्चा उसे सीखेगा, है ना, तो उसमें हम एक हैबिट डेवलप कर सकें और वो उस जो भी वो सेंटेंस बोले उसे क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव बोल पाए, राइट। क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव वो सेंटेंस होना चाहिए। नाउ एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस, वो अपने जो फीलिंग्स है, जो इमोशन है, जो बोलना चाहता है वो उसे एक्सप्रेस कर पाए, राइट। और
क्रिटिकली इवेल्युएट एंड ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन्स। अब अगर उसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है तो वो क्रिटिकली इवेल्युएट कर पाएगा आइडियाज़ को या बिलीव्स को या किसी के भी जो भी व्यूज़ हैं उसको वो इवेल्युएट कर सकता है और अपना लॉजिकल कंक्लूजन भी दे सकता है। सो वो अपना लॉजिकल कंक्लूजन मतलब उस चीज़ को अच्छे से सोच के उसके बाद उसको रिस्पॉन्स कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज एनेबल यूज़ ऑफ करेक्ट वर्ड्स स्पेलिंग्स स्ट्रेस फ्लुएंसी एट्सेट्रा। सो ये क्या करता है कि अगर आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है तो करेक्ट वर्ड्स का वो यूज़ करेगा, करेक्ट स्पेलिंग्स का वो यूज़ करेगा या बोलने के हैबिट से वो धीरे धीरे ये सब चीज़ों को सीख लेगा। स्ट्रेस कहाँ होना चाहिए, किस वर्ड में, किस सेंटेंस में, कैसा हर एक वर्ड्स में स्ट्रेस होना चाहिए उसे वो समझ में आएगा। फ्लुएंसी क्या होनी चाहिए वो भी उसे समझ में आएगा, है ना, पॉज कहाँ देते हैं। तो ये सभी चीज़ों को वो हमारा एम होता है कि स्पीकिंग स्किल में ये सारी चीज़ों को फॉलो करे या सीख सके, राइट। बिकम अ गुड एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर। सो अगर ये सारी चीज़ें बच्चे की डेवलप हो जाती हैं, उसके अंदर आ जाती हैं, तो वो क्या है उसकी स्पीकिंग स्किल इसका मतलब अच्छा है, ठीक है, और उसमें क्या है वो एक गुड एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाता है। सो वी कैन से कि मेक अ लर्नर अ गुड एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर। सो उसे एक अच्छा एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाना एक हमारा एम होता है स्पीकिंग स्किल का। नाउ स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स, क्या हमें स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि बच्चों का स्पीकिंग स्किल अच्छी हो जाए। सो मिनिमल रिस्पॉन्सेज, सबसे पहले है मिनिमल रिस्पॉन्सेज, मतलब बच्चों को कम से कम इतना उन्हें दे कि उन्हें ये बताएं कि आपको कम से कम इतना रिस्पॉन्स करना है, ये चीज़ बतानी है, इतनी चीज़ बोलनी है, है ना। जैसे कुछ डिफाइन कर दें कि हाँ भाई ये डेफिनेट चीज़ है, ये आपको बोलना है। लाइक जो भी है उसमें बच्चों को हम बोल सकते हैं कि बच्चे जो है जो भी वो डेली करते हैं वो उस चीज़ों को वो बच्चे बताएं या एक दूसरे को आइडिया शेयर करें, क्लास में इंग्लिश में बात करें, है ना। डिफरेंट टाइप्स के एक्सचेंजेस होते हैं जो बच्चे क्लास में कर सकते हैं, राइट ना। और ये बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है, जो बिगनर्स है जो अभी सीख रहे हैं स्पीकिंग स्किल्स, उनके लिए मिनिमल रिस्पॉन्सेज जो हैं वो सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ इंट्रैक्टिव एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ दिया जाए जिसमें बच्चे क्या करें, बच्चे इंट्रैक्ट करें, एक दूसरे से इंट्रैक्ट करें। सो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से कि किस तरीके से हम लैंग्वेज को यूज़ करें, कैसे उसे बोलें या किस सिचुएशन में कैसे बोलना चाहिए, हम उन्हें ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑथेंटिक प्रैक्टिस इन्वायरमेंट, उन्हें एक ऑथेंटिक प्रैक्टिस इन्वायरमेंट भी हमें देना चाहिए। ये हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम किस तरीके से बच्चों को स्पीकिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि उन्हें एक ऑथेंटिक प्रैक्टिस इन्वायरमेंट क्लासरूम में देना चाहिए जिससे कि वो स्पीकिंग स्किल डेवलप कर सके, राइट। जो कि उन्हें कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हेल्प करता है, बच्चों के अंदर जो शर्म होता है, जो शाइनेस होता है वो ख़त्म करता है। ओके आइए नेक्स्ट देखते हैं, सजेशंस फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। कुछ ऐसे सजेशंस हैं जिससे कि बच्चों की स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो सकती है, वो देख लेते हैं। डिवाइड द क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स, बच्चों को हम स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पूरी क्लास के बच्चों को हम वी कैन डिवाइड इट इनटू लाइक स्मॉल ग्रुप्स, फोर या फाइव ग्रुप्स बना दें या क्लास के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम उनमें डिवीज़न कर दें और उन्हें एक एक टास्क दे दें या एक एक टॉपिक दे दें जिसमें उन बच्चों को बोलना होगा, राइट। तो वो एक दूसरे में डिसाइड करेंगे, जब उस स्पीच को प्रिपेयर करेंगे तो उसमें उनकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल दोनों वर्क करेगी। नाउ टीचर्स शुड बी अपडेटेड, नाउ यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचर का, कि टीचर जितना अपने आप को अपडेट रखेगा, हर चीज़ को पढ़ता रहेगा, सब जानता रहेगा कि किस चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, जो उनकी अगर प्रोनंसिएशन है, स्पीच है, रिदम है, इंटोनेशन है, स्ट्रेस है, उन सब का उनको नॉलेज रहेगा और करेक्ट रहेगा तो बच्चे भी वही चीज़ें सीखेंगे। सो क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं टीचर्स को, सो उन्हें टीचर्स को अपडेट रहना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इंक्लूडिंग ग्रीटिंग्स
इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, शेयरिंग स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट। सो हमें क्या करना चाहिए कि हमें बच्चों को बोलना चाहिए कि एक लाइक अगर हम मिनिमल रिस्पांस की बात करें तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। ये मिनिमल रिस्पांस के अंदर यही सारी चीज़ें आती हैं कि हमें कम से कम बच्चों को ग्रीटिंग्स करना है ना, थैंक यू, सॉरी या विश करना, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए उन्हें। एटलीस्ट इतना बोलें, कोई इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है वो कर सकें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है अपने बारे में तो वो बता सकें, कोई छोटी मोटी स्टोरीज़ है धीरे धीरे शॉर्ट स्टोरीज वो शेयर करना शुरू करें, अपने एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट को भी वो बताएं क्लास में, एक दूसरे से शेयर करें, है ना। बच्चों से ये सारी चीज़ों को हम पूछ सकते हैं जिससे कि उनकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन सिचुएशन। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जो कि सिचुएशन पे बेस्ड हो। कोई हमें सिचुएशन दे दे लाइक कि आपका फ्रेंड आज स्कूल नहीं आया और आपको उन्हें उसे होमवर्क बताना है टेलीफोन कॉल के थ्रू, है ना, आप बात कर रहे हैं और उन्हें होमवर्क बताना है, तो वहाँ पे हम दो बच्चों को खड़ा कर सकते हैं और एक दूसरे से बात करने को कह सकते हैं और वहाँ पे वो एक्टिविटी करा सकते हैं, राइट। सिचुएशन दे दिया हमने एक यहाँ पे। नाउ इंडिविजुअल अटेंशन मस्ट बी गिवन टू लर्नर्स। अब क्लास में हर एक बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, राइट। कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो कोई बच्चा बहुत कम कर पाता है, वो फेल भी हो जाते हैं, राइट। तो हम सभी बच्चों को एक समझना है, एक ही तरीके से उन्हें अटेंशन देना है, उन्हें हर एक को प्रॉपर गाइड करना है और उसे उनकी जो भी उनको प्रॉब्लम है या जो भी वो जिस तरीके से भी अपने स्पीकिंग एंड लिस्टिंग स्किल्स को वो धीरे धीरे डेवलप कर पाए उन्हें हेल्प करना है, ओके। सो नेक्स्ट इज़ वन और टू पीरियड्स कैन बी अलॉटेड फॉर ओरल कन्वर्सेशन एक्सक्लूसिवली। सो ये हर जो सब्जेक्ट का जो पीरियड चलता है उसमें पॉसिबल नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे स्पीकिंग लिसनिंग स्किल पे वर्क कर पाए, इसलिए उन्हें एक या दो पीरियड हर एक सब्जेक्ट के लिए या वी कैन से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अलॉट करना चाहिए जिसमें कि वो ओरल कन्वर्सेशन कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा ओरल कन्वर्सेशन कर पाए। नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक आउटलुक टुवर्ड्स शॉर्टकमिंग्स ऑफ लर्नर्स। शॉर्टकमिंग्स क्या होता है, जो कमियां होती हैं बच्चों की। बच्चों को हमने टॉपिक दिया, एक्टिविटीज़ कराया, तो उस पर कुछ ना कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उन्हें उसमें कई सारे मिस्टेक्स होंगे। सो हमें जो बच्चों की कमियाँ हैं उसको आउटलुक एक सिंपैथेटिक व्यू रखना, सिंपैथी रखना चाहिए कि हाँ उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हमें नहीं रिस्पॉन्स करना है, बच्चों को जो भी बोलते हैं धीरे धीरे वो इम्प्रूव करेंगे, राइट। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 स्टूडेंट्स को सुने, उसके बाद एक कंक्लूजन निकाल के हमने एक साथ बता दिया कि ओके ये मिस्टेक्स ही बच्चे, नेक्स्ट टाइम आप लोग इस पर ध्यान देंगे, ओके। पर्टिकुलर किसी एक बच्चे को ना बता के हमें एक सिंपैथी साथ में रखनी है। नाउ वेरियस यूजेज ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। कई सारे यूज़ हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के। सो यूज़ क्या है, ये चिल्ड्रंस के लिए यूज़ है कि चिल्ड्रन किस तरीके से लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को यूज़ करते हैं। सो चिल्ड्रन यूज़ देयर लिसनिंग स्किल्स टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स एक्सेट्रा। अब लिस्टिंग स्किल से क्या होता है कि बच्चे दूसरों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो आइडियाज़, उनकी जो फीलिंग्स हैं उसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंड पर्टिकुलर साउंड्स दैट आर इंटीमेटली कनेक्टेड विद सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। बच्चे लिसनिंग स्किल से हर कोई भी वर्ड अगर बोला जाता है तो उसकी एक पर्टिकुलर साउंड होती है, उसे वो समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं कि इसे क्या कहा जाता है और किस तरीके से कहा जाता है। नाउ फोकस ऑन एंड ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द स्पीकर्स मीनिंग। सो वो फोकस कर पाएंगे अगर उन्हें लिसनिंग स्किल उनकी अच्छी है तो दे कैन अंडरस्टैंड ईजली और उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरीके उस स्पीकर की जो है वो क्या मीनिंग आ रही है, राइट। नाउ अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश स्पीच एंड साउंड्स, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। जो भी इंग्लिश की स्पीच का जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंग्लिश स्पीच की, कुछ लाइक साउंड्स है, स्ट्रेस है, इंटोनेशन है, रिदम है, पॉज है, प्रोनाउंसिएशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमें ध्यान में रखना होता है। तो अगर हमें लिसनिंग स्किल अच्छी है तो हम सुन के भी अपने इंग्लिश स्पीच को अच्छी कर सकते हैं, राइट।
नाउ अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। सो जैसे कि मैंने बताया कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंग्लिश स्पीच की, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये हम समझ सकते हैं कि किस वर्ड को कैसे बोला जाता है। नेक्स्ट इज जनरल चिल्ड्रन यूज देयर स्पीकिंग स्किल्स टू। अब बच्चे स्पीकिंग स्किल्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो स्पीकिंग स्किल अगर उनकी अच्छी हुई तो वो डेवलप एंड इन्हेंस देयर वोकेबलरी, वो अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। अगर उनको स्पीकिंग स्किल उनकी अगर है उनके अंदर तो वो बोलते हैं और धीरे धीरे वोकेबलरी बहुत सारा वोकेबलरी उसको डेवलप करते हैं और इम्प्रूव करते हैं, इन्हेंस करते हैं। एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स और व्यूज़, तो वो क्या होता है अगर उन्हें बोलना आता है तो अपने फीलिंग्स एंड व्यूज़ को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ गेट फ्लुएंसी एंड प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज, और धीरे धीरे वो क्या करते हैं अपने लैंग्वेज में वो फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी लाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको बोलना आता है तो आप और अच्छे से बोलना शुरू करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना शुरू करते हैं, जिससे कि फ्लुएंसी उसमें आने लगती है। इम्प्रूव देयर डिक्शन एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। सो जो उनका जो डिक्शन है और जो वो मिस्टेक करते हैं उससे वो सीखते हैं और धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड फेशियल एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स, जो फेशियल एक्सप्रेशंस है कि कोई किस यू नो उससे बोल रहे हैं, कि जैसे कि होता है ना कुछ लोग फेस के एक्सप्रेशन को समझ के हमें समटाइम्स बोल कुछ रहा है बट उसका इंटेंशन कुछ रहता है, तो हमें फेशियल एक्सप्रेशन भी समझना आ जाता है उसकी गेस्चर्स से, कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके एटीट्यूड कैसे हो रखे हैं, है ना, तो उससे भी हम धीरे धीरे वो भी समझना हम शुरू कर देते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज देख लेते हैं। डेवलप फोर स्किल्स, सो लैंग्वेज का फंक्शन ये है कि ये फोर स्किल्स को डेवलप करता है। वो फोर स्किल्स क्या होते हैं, LSRW जिसे हम लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग कहते हैं। ओके, इन चारों स्किल को अगर एक लैंग्वेज इन चारों को स्किल्स को डेवलप करता है। नाउ वर्बल इंट्रैक्शन, इसमें क्या है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज में वर्बल इंट्रैक्शन होता है। वर्बल मीन्स ओरली इंट्रैक्शन होता है, इसमें हम बात करते हैं ओरली और यू नो इसी में हमारी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल दोनों आ जाती है। द एक्सप्रेसिव फंक्शन, ये क्या है, एक एक्सप्रेस करने का एक फंक्शन है। ठीक है, इसमें हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने व्यूज़ आइडियाज़ फीलिंग्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्रेस करते हैं। ये एक सोशल फंक्शन एंड कल्चरल फंक्शन है। ऑफ कोर्स लैंग्वेज का यूज़ हम बाहर सोसाइटी में बात करने के लिए, अपने व्यूज़ आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, दूसरों की प्रॉब्लम समझने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा सोशल एंड कल्चरल जो कनेक्शन है वो भी अच्छा होता है। तो दिस इज़ यू कैन से कि सोशल एंड कल्चरल फंक्शन है। और कल्चरल क्यों, क्योंकि हमारे सभी की सभ्यता हमारी कल्चर अलग अलग है, और जैसे कि इंडिया में तो बहुत सारे हैं, सो उसको भी हम लैंग्वेज के थ्रू ही एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फोनीम्स। सो जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, जो बात करने का ये अप्रोच है, उससे हम फोनीम्स को प्रोनाउंसिएशन को समझते हैं। फोनीम्स मतलब प्रोनाउंसिएशन होता है, और मॉर्फीम्स जो होते हैं वो स्पेलिंग्स बताता है। ठीक है, स्पेलिंग्स से रिलेशन होता है, मॉर्फीम्स मतलब स्पेलिंग है एंड ग्रामर। ठीक है, सो इन तीनों चीज़ों को, ये तीनों अप्रोचेस को हम समझ पाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच से हम इन तीनों चीज़ों को, जो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, उसे समझ पाते हैं प्रॉपरली। नाउ चिल्ड्रन, हाउ चिल्ड्रन यूज़ इट एज अ टूल, बच्चे किस तरीके से इसे एज अ टूल यूज़ करते हैं। दे मेंटेन देयर रिलेशनशिप विद देयर सोसाइटी, है ना, ये अपने सोसाइटी के साथ वो एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं और शेयर करते हैं अपने कल्चर को, और किस किस तरीके से इंट्रैक्ट करके लैंग्वेज जो है उन्हें हेल्प करती है इंट्रैक्ट करने में लोगों से, जिससे कि वो कल्चर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। राइट,
कम अक्रॉस विद देयर एस्थेटिक वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज एंड पोएम्स। क्या होता है ये इस तरीके से बच्चे कभी कभी जब उनकी ये सब स्किल्स अच्छी हो जाती हैं तो वो पोएट्रीज में अच्छे हो जाते हैं या स्टोरीज में अच्छे हो जाते हैं, धीरे धीरे वो कुछ रिटन रिकॉर्ड्स रखते हैं, मीन्स वो ये सब भी स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है, स्टोरीज एंड पोएम्स वगैरह। नाउ चिल्ड्रन यूज़ वर्ड्स एज टूल बाय विच दे स्टोर इन्फॉर्मेशन। चिल्ड्रन यूज़ करते हैं वर्ड्स को एक टूल की तरह जिसपे कि वो लाइक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, राइट। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में ही आजकल न्यूज़पेपर में आप देखते हैं या कोई भी मैगज़ीन है या न्यूज़ चैनल्स हैं या आप मोबाइल में गूगल करते हैं तो उसमें भी इंग्लिश में आता है, तो ये एक टूल बन गया है जिससे कि वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ चिल्ड्रन डेवलप देयर थिंकिंग एबिलिटीज़ विद द यूज़ ऑफ लैंग्वेज विच हेल्प्स इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। सो जो चिल्ड्रन हैं वो थिंकिंग एबिलिटीज़ उनकी डेवलप होती है और इस लैंग्वेज को यूज़ करके वो अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं जिससे कि वो नए नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, वो नए नए आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।